नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मधुर आर्ट्स में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सैमसंग गो माइक जो है इसका मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। और ये जो माइक है इसे मैंने अली एक्सप्रेस से 2200 रुपये में इसे ख़रीदा है। अगर ये माइक आप अमेज़ॉन पे ख़रीदने जाएं तो करीबन 4000 उसकी प्राइस है। और जब ये माइक का पैकेज मेरे पास आया तो मैंने तुरंत खोल के इसलिए मैंने पहले देख लिया था, और इसलिए अभी मैं आपके सामने इसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो माइक है ये इस तरह से इस पैकेज में आता है, और आप देख सकते हैं कि ये जो माइक है ये बहुत ही बेहतरीन माइक है। इसे पोर्टेबल USB माइक्रोफोन कहते हैं, और ये ख़ास तौर से कंप्यूटर और मोबाइल दोनों के साथ ये अच्छी तरह से काम करता है। तो आप देख सकते हैं इसकी इस रैपर के अंदर ये माइक के साथ आने वाली सभी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका ये मैनुअल है, और ये जो मैनुअल है आप देख सकते हैं मैनुअल के साथ इसमें ये जो माइक है इसके अंदर पूरे डिटेल इसके बारे में दिए हैं, किस तरह से कनेक्शन करने हैं और क्या क्या चीज़ें माइक के साथ मिलती हैं, और पूरा उसके बारे में जानकारी इस मैनुअल के अंदर दी है। दोस्तों, ये जो माइक है इसका रिव्यू मैंने पहले ही करके रखा है, अगर आपको चाहिए देखना हो तो आप देख सकते हैं। ये जो है मेरा दूसरा माइक है, और ये ख़ास तौर से मैंने स्टार मेकर के लिए ये ख़रीदा हुआ है, और ये बहुत ही बेहतरीन माइक है। ये दोस्तों ये देख सकते हैं, इसके बाद ये जो है इसकी ये गारंटी कार्ड है, जो आप ऑनलाइन इसको आप उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एक USB केबल है, जिससे कि हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं या अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मगर आपके अगर आपको मोबाइल के साथ कनेक्ट करना हो तो उसके साथ OTG केबल होती है, वो आपको इसके आगे लगानी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों ये जो है ये एक छोटा सा पाउच है, आप देख सकते हैं, और इस पाउच के अंदर ये जो है ये माइक आता है, और बहुत ही छोटा सा मैं कहूँगा ये माइक है। और अभी हम इसे खोल के देखते हैं इस पाउच को। तो दोस्तों ये जो माइक है ये जो है इसके जो ये कंडेंसर माइक है, और कंडेंसर माइक होने की वजह से ये जो है आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो माइक है इसके ऊपर एक तरह का एक कवर लगाया हुआ है, कि जिसकी वजह से ये जो माइक जो है ये सेफ रहता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर USB पोर्ट दिया है, और यहाँ पर 3.5 mm का जो होता है हेडफोन्स जेक हम लगा सकते हैं। तो ये दो चीज़ें इसके अंदर हैं, और इसके अलावा इस माइक के यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्विच दिया है, जिससे हम कार्डियोइड और ओमनी डायरेक्शन पे हम इसका सेटिंग कर सकते हैं। और ये जो माइक है दोस्तों कि इसमें जो अगर हम पास से हमें अगर कोई सॉन्ग गाना है या बातें करने तो इसको 10 dB पे आप रख के अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये आप देख सकते हैं सामने की तरफ ग्रिल दी है, और ये प्लास्टिक की ग्रिल है मगर काफ़ी मजबूत है। और जैसे मैंने कहा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्विच है ये आपको जो है ओमनी डायरेक्शन और कार्डियो इस पर हम रख सकते हैं, मगर मैं इसको 10 dB पे रखता हूँ ताकि सिर्फ सामने से ही आवाज़ रिकॉर्ड हो। तो इस तरह से ये जो स्विच है ये आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये माइक जब मैंने लिया तो मेरा जो मोबाइल है जो रेडमी नोट 7 प्रो है उसके साथ मैंने बहुत से जो कहते हैं OTG केबल है उसके साथ मैंने ट्राई किया, मगर ये जो माइक है उसके साथ मैच नहीं हो रहा था। यानी इस माइक को जो पावर सप्लाई चाहिए वो उस OTG केबल से, जो ऑर्डिनरी केबल आती है उससे वो नहीं मिल रहा था, और काफ़ी मैं परेशान हो गया था, क्योंकि ये जो माइक है वैसे तो काम करता है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने जो अमेज़ॉन से फिर स्पेशल एक OTG केबल जो है वो मैंने मंगाई, कि जो करीबन उसकी आप देख सकते हैं ये जो OTG केबल है ये स्पेशल है, वन प्लस इसके ऊपर लिखा है OnePlus C करके, और ये 300 रुपये में मैंने अमेज़ॉन से इसे ख़रीदा था। और ये जो OTG केबल है दोस्तों ये देखो आप देख सकते हैं अभी कि
कि इसमें से आप देखते सब इसको सप्लाई मिल रहा है और इसमें एक एलईडी लाइट जल रही है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो ओटीजी केबल है वो सभी काम नहीं करती हैं, तो ख़ास कुछ केबल ही अपने मोबाइल के साथ काम करती है, जैसा कि मेरे रेडमी नोट प्रो के साथ हुआ था। दोस्तों अगर ये माइक आपको स्टैंड को लगाना है तो उसमें आप देख सकते हैं कि दो तरह के स्टैंड आते हैं, एक पतला वाला और दूसरा जो जाड़ा वाला थ्रेड होता है। तो आप देख सकते हैं जो पतले वाला जो थ्रेड है उसमें ये माइक अच्छे तरह से लग जाता है। या आपको अगर कंप्यूटर को लगाना हो तो आप कंप्यूटर पे यानी लैपटॉप पे आप लगा सकते हैं इस तरह से ऊपर, और ये बड़े आसानी से फिट हो जाता है। दोस्तों अगर आपको इसे कंप्यूटर से लगाना है तो कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, और वैसे अगर मोबाइल के साथ भी ये बगैर किसी सॉफ्टवेयर के एक अटैच हो जाता है और अच्छी तरह से काम करता है। तो दोस्तों आपको ये जो है अनबॉक्सिंग कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।